नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को लेकर हो रही सियासत की, इसके जो कूटनीतिक पहलू हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बगावत के बाद हुआ। दरअसल ये अपने में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा देखने को मिल रहा है ब्रिटेन में, कि एक के बाद एक दो प्रधानमंत्री बहुत जल्दी जल्दी कुर्सी से उतर गए या छोड़नी पड़ी। अब आगे क्या, क्योंकि 70 और कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 100 ब्रिटिश सांसद ट्रस के खिलाफ थे, और इसके बाद अब नए प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं ब्रिटेन के, इसको लेकर चर्चा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ब्रिटेन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री को लेकर, उसके क्या असर होंगे, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर राजीव नैन जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, जो सीनियर रिसर्चर हैं एसोसिएट MPID SSA। राजीव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह जी से। गुरजीत जी, आपका भी स्वागत है, और हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे जो ब्रिटेन की सियासत है प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को लेकर, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर उम्मू सलमा बाबा जी हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है उम्मू जी। वो सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज JNU से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूँगा, ब्रिटेन में एक और प्रधानमंत्री की विदाई, इस्तीफा, क्या मायने हैं इसके, एक के बाद एक? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है, जो वहाँ की आर्थिक समस्या, और जिसे लेकर ट्रस आई, वह नहीं चल पाया, और एक तरह से वहाँ भूचाल सा आ गया, एक आर्थिक भूचाल आया। इस आर्थिक भूचाल के चलते जो टोरीज, जैसे कंजर्वेटिव पार्टी भी जो कहते हैं, उनकी जो जो ख्याति पॉपुलैरिटी थी, एक तरह से नोज डाइव कर गया, काफ़ी नीचे उतर कर आ गया, जिसके चलते घबरा उठे। न केवल वहाँ के सांसद घबरा उठे, क्योंकि 25 पे उनके चुनाव में भी जाना है, और यहाँ तक कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे शुरुआती दौर पर, तो लगा कि 20% आता था, फिर 30%, और जो कल का जो ओपिनियन पोल आया था वहाँ पर 40% तक की एक खाई दिखाई थी कि वहाँ पर आ रहे हैं। तो इससे जो MPs रिवोल्ट किए, यहाँ तक कि जिन टोरीज ने सुनक के खिलाफ, ऋषि सुनक के खिलाफ वोट करके अपनी आस्था व्यक्त की थी लिज ट्रस में, वो भी घबराए हुए लगे। और एक जो ओपिनियन पोल आया था वो कह रहा था कि अगर आज के दिन में चुनाव होता तो लिज ट्रस और सुनक के बीच में, तो सुनक 60% से ज्यादा वोट मतों से आगे होते। तो यह थी इनकी जो ख्याति कहिए या कुख्याति कहिए लिज ट्रस की। उन्होंने दो मुख्य बिंदु चुने जिसके चलते थोड़ी नाराजगी हो गई। एक था उन्होंने जो टैक्स कट्स किए थे, वो टैक्स कट्स के चलते बाजार ने उसको स्वीकार नहीं किया, और बहुत पहले ऋषि सुनक ने यह बात कही थी कि जिस चीज को लेकर चुनाव अभियान लिज ट्रस कर रही है, अगर वह उसे कार्यान्वित कर दिया गया तो जो अंग्रेजी अर्थव्यवस्था है वो कहीं की नजर नहीं आएगी, पूरा बाजार बर्बाद हो जाएगा। और उनकी यह भविष्यवाणी कुछ जल्दी ही सही हो गई। हो सकता कि एक साल लगता, डेढ़ साल लगता, लेकिन 44 दिन में तो हट ही गई। वो जो जो असर दिखना शुरू हो गया था वह 3-4 सप्ताह के अंदर ही आना शुरू हो गया था। लेकिन इसके व्यापक मायने हैं, खासतौर से जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैश्विक दृष्टि से खास मायने हैं इसके, क्योंकि 3-4 महीने में दो प्रधानमंत्री का जाना अपने में एक सवाल खड़े करता है ब्रिटेन की सियासत को लेकर, खासतौर से जिस तरह से वहां पर उथल पुथल इस समय मची हुई है और आगे की राह क्या है। गुरजीत जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, खासतौर से जब हम वैश्विक की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं, तो ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है इसमें इस समय, उसे आप कैसे देखते हैं? तो जब ये ब्रेक्सिट हुआ था जी, विश्वस उसके खिलाफ थी, ब्रेक्सिट के साथ नहीं थी, लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री बनी उसको ब्रेक्सिट पूरी तरह इंप्लीमेंट करना पड़ा। इसके दो बड़े पहलू हैं, एक तो राजीव जी ने समझाया कि जो इकोनॉमिक साइड है, ब्रिटेन की इकोनॉमी यूरोप के बिना कैसे आगे बढ़े, और दूसरा है कि इमिग्रेशन को कैसे कंट्रोल। तो ये जो सरकार है इसमें जो दो मंत्री लिस्टर्स के पहले सरकार से निकल गए, वो दोनों, एक इकोनॉमी और एक इमिग्रेशन, ये दो मुद्दों पे सरकार के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। दूसरी बात है कि अगर आज चुनाव होता है
जी के में, तो लेबर या लिबरल्स अपना इकट्ठा करके जरूर जीत जाएंगे, कंजर्वेटिव पार्टी हार जाएगी। तो ये जो बार बार नेता बदल रहे हैं ये बताता है लैक ऑफ लीडरशिप और ट्रस्ट जो 45 दिन भी नहीं जी आज पाई अपने, तो बहुत ही खराब लगता है। मुझे तो ये खराब लगता है कि एक लेडी पॉलिटिशियन जो बड़ी मेहनत करके ऊंचाई तक पहुंचती है, जब वो इतना जल्दी गिरती है तो दुख होता है कि ये काबिल नहीं थी क्या, कि जो हालात थे वो उसको काबिल नहीं छोड़ा। जी जी बिल्कुल प्रोफेसर उम्मू जी, ब्रिटेन के मामले में ये माना जा रहा है कि आर्थिक संकट इस कदर है कि दो दो प्रधानमंत्रियों को जाना पड़ा। क्या है ये आर्थिक संकट, खासतौर से हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड को पाउंड की तेज बिकवाली के कारण भी कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्या है आर्थिक संकट? देखिए ब्रिटेन में जो आर्थिक संकट है वो कई मुद्दों के ऊपर है और कई चीजों के साथ संबंधित है। अभी अभी बयान कहा गया था कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय समुदाय का एक सदस्य रहा था, बहुत सालों तक उसका व्यापार ब्रिटेन का यूरोपीय समुदाय के जो कॉमन मार्केट है उसके सदस्य के रूप में वो रहा था और उसकी आर्थिक व्यवस्था उससे काफी सुदृढ़ और मजबूत हुई थी। लेकिन ब्रेक्सिट होने के साथ इसका इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और अभी भी ब्रेक्सिट का जो प्रभाव है उससे वो जूझ ही रहे थे कि राजनीतिक संकट, एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक संकट आ पहुंचा जिसमें कि यूरोप के अंदर युद्ध का प्रवेश हुआ है। यूक्रेन के युद्ध के कारण इससे जो है राजनीतिक उथल पुथल ही नहीं हुआ है, आर्थिक उथल पुथल हुआ है और इससे जो है आर्थिक क्षेत्र में खास तौर पे ये देखा गया कि तेल की कीमतें बढ़ती गई हैं और जो एक जो है एनर्जी क्राइसिस पूरे यूरोप में देखा जा रहा है और ब्रिटेन में देखा जा रहा है। तो इसके चलते और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस संदर्भ में पिछले दो साल में कोविड का भी प्रभाव पड़ा अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो अगर ये तीनों मुद्दों को साथ में आप जोड़ के देखेंगे तो ब्रिटेन के ऊपर जो संकट के बादल है वो काफी समय से मंडरा रहे थे और राजनीतिक उथल पुथल के दौरान क्या हुआ है कि मार्केट में जो एक विश्वास होता है अर्थव्यवस्था किस तरह से कायम रहेगी, राजनीतिक स्तर से किस तरीके के राजनीतिक जो है दृष्टिकोण से क्या पॉलिसी डायरेक्टिव आएंगे, वो सब उससे जो है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो गया और आप देख रहे हैं कि उसके चलते क्या हुआ है कि दो प्रधानमंत्रियों का जो है बहुत जल्दी से परिवर्तन हुआ है और आप 1.5 महीने के अंदर जो ब्रिटेन में ये सबसे कम टर्म में रही हैं लिज ट्रस प्रधानमंत्री के रूप में और सोमवार तक ये तय किया जाना चाहिए कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो जो आर्थिक समस्या है वो काफी गंभीर है क्योंकि इन्होंने जो एक मिनी बजट का ऐलान करा था या इनके जो वित्त मंत्री ने करा था उसमें उन्होंने कहा कि टैक्स को वो काटेंगे और ये प्रावधान नहीं बताया कि किस तरीके से जो है सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी। तो जो एक विश्वास की कमी आ जाती है उत्पन्न हो जाता है तो उसके चलते जो है लोग फिर अपने खर्चों को भी कम कर लेंगे, अर्थव्यवस्था में जो है मजबूती या जो ग्रोथ है वो नहीं आ पाएगी और जो आर्थिक खतरा है वो अब अगले प्रधानमंत्री के सामने सबसे अहम मुद्दा बन जाएगा। जी बिल्कुल, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा राजीव जी, इस पहलू पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहली बात मैं ये समझना चाहूंगा कि एक आर्थिक संकट है इंग्लैंड के सामने, दुनिया के सामने आर्थिक संकट है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई और संकट है, क्या और कोई समस्या है, क्या ब्रिटेन में जो लीडरशिप का एक हम नेतृत्व का जो अभाव देख रहे हैं कि जिस तरह की बगावत उभर के सामने आई है सांसदों की, ये भी अपने में एक देखने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है। देखिए जो सांसदों की बगावत है जी, जो वहां की समस्याएं हैं उसको न समेट पाने के कारण ही हो रही है। अब जैसा कि अभी काफ़ी बात बताया गया, ये देखिए समस्या बड़ी जटिल रूप में आ रही थी और जो नेतृत्व था, देखिए इसके पहले बोरिस जॉनसन को हटाया गया था, जिस समय उनको कोरोना से कोविड से जूझना था उस समय एक मोरल एक एथिकल इशू उठ के आया था, पार्टी कर रहे थे और खुद अपने बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो ये देखिए उनके क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, तो वही देश जो कि पूरी दुनिया को कानून बनाकर दिया था, जिसने कि जनतंत्र सिखाया लोगों, रूल ऑफ लॉ की बात करता था, वहां खुद के शासक रूल ऑफ लॉ को वायलेट कर रहे थे। तो एक जनता में भी एक अविश्वास की भावना आ गई थी, पार्टी के अंदर भी भावना आ गई थी। उसके साथ साथ ही अब था कि जैसे बहुत समस्याएं आ रही थी, जैसे बताया कि कोरोना की भी समस्या थी, अभी नई समस्याएं भी आई हुई है, वैसे भी बहुत दिनों से
एक मंदी से जूझ रहा था इंग्लैंड, उसकी वो स्थिति नहीं थी और इमिग्रेशन के ऊपर ठिकरा फोड़ना चाहता था, ब्रेक्सिट कर दिया, उसे लगा कि इससे बंद हो जाएगा और अपनी स्थिति को, अपनी आर्थिक ड्रास्टिक राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर पाएगा। लेकिन इतनी इतने तरीके से वो जुड़ा हुआ था, इंटैंगल्ड था, इंटरडिपेंडेंट था वो बाकी यूरोपियन देश पर, कि उससे हटने में ही उनको काफ़ी समस्याएं हुई। और इस चलते न वह उधर का रहा न इधर का, हर दोनों के उस पर बीच में वो उस खाई को पाट नहीं पाया। और ये संकट जो जिसे कहते हैं अजीब सा संकट वो जूझ रहा था, और नेतृत्व ने उसको एक दिशा प्रदान नहीं की। जो नेतृत्व आई वह नेतृत्व बार बार एक कभी चाहती थी कि अपना आइडियोलॉजिकल लाइन पोजीशन लेके, जो लीज ट्रस्ट थी वो आइडियोलॉजी में और रियलिटी में दोनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं पर एक सामंजस्य बिठाना है जी। उस सामंजस्य को बिठाने में पूर्णतया असफल रही। और इस असफलता के चलते जो आपने कहा रिवोल्ट, रिवोल्ट देखिए पहले भी जब ऋषि सुनक को अगर देखेंगे तो उनकी जो सांसदों के बीच में पैठ कहीं ज्यादा थी जी। उनका 137 जो वहां के सांसद थे उन्होंने समर्थन दिया था और उन सांसदों का भरोसा था कि हम ऋषि सुनक ही इस आर्थिक मंदी से संकट से उभार सकता है, उसकी जो एक आर्थिक इकोनॉमिक विजन है। इनको करीब करीब 117 या 27 के आसपास इनकी इनको समर्थन था। तो एक तरह से और साथ साथ आप देखेंगे एक फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबार चाहे जो भी लिबरल न्यूज़पेपर्स थे वह भी कहते थे कि ऋषि सुनक ही चाहिए। लेकिन जो एक कंजर्वेटिव जो उनका 170,000 करीब करीब टोरी मेंबरशिप है वो ब्रेक्सिट क्राउड जिसे भी कहा जाता है, वाइट सुप्रीमेसिस्ट क्राउड भी कहा जाता है, कंजर्वेटिव क्राउड, वो एक भारतीय को स्वीकार करने में लगा कि थोड़ा सा मैं इसी पहलू पे अब आता हूं। क्योंकि बोरिस जॉनसन के बाद इस्तीफे के बाद हुए चुनाव में ऋषि सुनक ने ट्रेस को कली टक्कर दी थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऋषि सुनक देर सवेर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और ये सवाल इस समय चर्चा में सबसे ज्यादा है क्योंकि लिज ट्रस के जाने के बाद ये सवाल इस समय खास तौर से चर्चा में है। गुरजीत जी मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को, खास तौर से अगर हम कहें ब्रिटेन में आगे अब क्या। देखिए अब तो गया तथा एक बात तो है, या तो किंग चार्ल्स डिसाइड करे कि ये पार्लियामेंट में स्थिर सरकार नहीं बन सकती और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे और एक नई इलेक्शन कॉल कर, लेकिन किंग चार्ल्स ये करने वाले नहीं है। लेकिन किंग चार्ल्स कोरोनेशन से पहले नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, ये एक दिलचस्प बात है। दूसरी बात ये है कि लेबर और लिबरल तो कह रहे हैं कि नई एक इलेक्शन की जाए, क्योंकि जो मैंडेट कंजर्वेटिव को पिछली इलेक्शन में मिला था वो उन्होंने गवा दिया है जी। और एक बात और जो हमारी चर्चा में अभी तक नहीं आई है वो यूक्रेन क्राइसिस जी। यूक्रेन क्राइसिस में ब्रिटेन ने अपना हाथ बहुत फैला रखा है अमेरिका के पीछे, उसके लिए उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो इतना डिफेंस और इतना एनर्जी सपोर्ट और हानि उठा सके। तो ये भी उसके एक कारण है कि उसकी इकोनॉमी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। लेकिन फाइनली एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो चुनते हैं। अगर वहां तक बात चली तो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने होते और शायद ये नौबत नहीं आती। अभी भी अगर एमपी के ऊपर निर्भर हो तो ऋषि सुनक का अच्छा चांस है। लेकिन कंजर्वेटिव ने एक बड़ी टेढ़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई हुई अपनी के एमपी के अलावा कंजर्वेटिव पार्टी के जो सदस्य हैं वो डिसाइड करें, जिन्होंने ये डिसीजन उल्ट दिया और लिस्ट ट्रस्ट को सपोर्ट। अब एमपी उसके खिलाफ है, पार्टी उसके साथ है, ये सरकार कैसे चल सकती है जी। तो उनको वापस वही जाना चाहिए कि डिसीजन एमपी का होगा, और अगर 100 एमपी एक आदमी के पीछे लग जाए तो वो कैंडिडेट बन सकता है। पिछली इलेक्शन में ये जीती थी 20 एमपी की, तो बहुत 8 कैंडिडेट थे, अब तो मैक्सिमम 3 कैंडिडेट हो सकते हैं क्योंकि 357 कंजर्वेटिव एमपी है। लेकिन उनके लिए बेस्ट होगा कि जो भी इलेक्शन आपस में करे जो नंबर वन आए बाकी दो सीन से हट जाए और उसको सिंगल कैंडिडेट की तरह प्रधानमंत्री बनने दें एमपी की सपोर्ट से। अगर वो पार्टी की दोबारा गए तो उनके लिए फिर ये हानिकारक। बिल्कुल
प्रोफेसर उम्मू जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ये बात कि जो ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता हमें देखने को मिल रही है, इसमें आगे ब्रिटेन की आप राह क्या देख रही हैं, किस ओर आपको चीजें जाते हुए दिख रही हैं? देखिए, सबसे पहले जो राजनीतिक अस्थिरता है उसको संभालने के लिए नेतृत्व बहुत ही मुख्य भूमिका यहाँ पे धारण करती है। तो सोमवार को ये बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और अगर सोमवार तक ये निश्चित नहीं हुआ तो अगले जो है शुक्रवार तक तो ये स्पष्ट हो जाएगा। नेतृत्व मिलने के बाद सबसे पहला मुद्दा जो नए सरकार के सामने या नए नेता के सामने होगा वो है कि स्पष्ट रूप से अपने जो नए कैबिनेट है उसको सामने लाए, और फिर ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से देश को, यानी देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबकी नजर जो है ब्रिटेन के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि ब्रिटेन अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो है एक महत्वपूर्ण सदस्य है। अभी हाल ही में जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसमें भी उसका एक बहुत ही अहम भूमिका है पश्चिमी राष्ट्रों के साथ मिलके। तो दोनों स्तर पे जो है, यानी अंदर के स्तर पे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से देखा जाए तो सबकी नजर नेतृत्व के ऊपर होगी कि क्या नए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे जो हैं, इन पे वो सरकार क्या निर्णय लेती है, किस तरीके से एक विश्वास का प्रस्ताव जो है सरकार के खिलाफ उठ जाता है अगर सरकार ये अपने ही नागरिकों को ये जो है विश्वास नहीं दिला पा सकती है कि आर्थिक रूप से उसको जो है उस लोगों की समस्याओं को समझती है और उसके प्रति जो है वो कुछ ऐसे कार्य उठाएगी जिससे कि उनकी जो समस्याएं वो दूर होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, सारे जो पार्टनर है, और इस बार में कोई बात नहीं हुई है, भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर जो है चर्चा चल रही थी और काफी हद तक इस पे बातचीत आगे पहुंच गई थी, और ये उम्मीद जताया जा रहा था कि दिवाली तक ये एक फ्री ट्रेड मैं उम्मीद जी इस पहलू को भी समझने की कोशिश करूंगा, इसको भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच जो मुक्त व्यापार की समझौता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको भी मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना, पहले भी चर्चा उसकी रही, अब भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री क्या ऋषि हो सकते हैं ब्रिटेन के, या आगे क्या हो सकता है ब्रिटेन में, क्योंकि भारतीय मूल के सांसद हैं और कड़ी टक्कर दे चुके हैं लिज ट्रस को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो अगर हम बेटिंग मार्केट जिसको बार बार कोट किया जा रहा है, सट्टा बाजार, अगर सट्टा बाजार की बात को अगर माने तो निश्चित ही वो कहीं आगे है बोरिस, उसके बाद नंबर दो पर बोरिस जॉनसन है, नंबर तीन पर पेनी मॉर्डेंट है वो। लेकिन अगर बाकी ओपिनियन पोल जो साइंटिफिकली कंडक्टेड ओपिनियन पोल है उसमें भी ऋषि सुनक कहीं आगे हैं। देखिए, आज के दिन में जो आपने स्थिरता की बात की, अभी नहीं चाहती है कंजर्वेटिव पार्टी की चुनाव हो, चुनाव जान रहे हैं कि अभी लेबर पार्टी का कहीं ज़्यादा उनका जनमत संग्रह जितने हो रहे हैं, जनमत में उनकी संख्या काफ़ी आ गई है, 40% तक कल का जो ओपिनियन पोल था उसमें आ रहा था, अभी वो जाने से भागेंगे। उन्हें एक समझौता करना था, इसीलिए दबाव डाला गया, क्योंकि कानूनन लीजी ट्रस्ट को हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि एक साल तक उन्हें रहना था जी, तो इसीलिए उन्हें रिजाइन कराया गया कि देखो पूरी के पूरे कंजर्वेटिव पार्टी बर्बाद हो जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी, अभी डैमेज कंट्रोल करना है। तो उन्होंने ऐसा एक बनाया, एक नया क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया के अंदर कम से कम 100 लोगों को, 100 MPs की जरूरत होगी, 357 कुल सांसद हैं, तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। लेकिन उन्होंने एक और नया एक इनोवेटिव उसमें दिया है कि वो रखेंगे एक जो कि नॉन बाइंडिंग है, एक इंडेक्स है कि ऐसा कैंडिडेट को, दो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जो भी हो, अगर दो कैंडिडेट चुनाव हो जाता है तो रखें जो कि पार्टी की यूनाइट करे। अभी उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि यूनिफाइड पिक्चर उनको सामने रखना है लोगों का, क्योंकि आपस में इतना झगड़ा हो रहा है, तो उसको सबसे आगे, स्थिरता का सबसे बड़ा द्योतक वही है, अंदर की लड़ाई, आंतरिक लड़ाई, तो उसके लिए वो आगे ला रहे हैं। तो अगर वो आता है तो अगर जैसा अभी बताया गया कि सोमवार तक शुरू में 6 बजे तक अगर एक ही कैंडिडेट रहा, मान लिया कि ऋषि सुनक को 200, अभी तक किसी ने अपनी कैंडिडेचर नहीं डिक्लेयर किया है, कल से शुरू हो गया नॉमिनेशन का, अगर 200 उन्हें मत मिल जाता है, 225 मिल जाता है, जिसकी कि संभावना से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं, तब उसके बाद बाकी को अगर 100 से नीचे होगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है कंजर्वेटिव पार्टी के पास। तो ये सांसद एक भूमिका यह निभा सकते हैं।
दूसरी है एक बात है कि मान लिया कि दो कैंडिडेट भी रहे, तो दो कैंडिडेट होने के बाद भी यूनिफाइड किसका पोलिंग ज्यादा हुआ है कि जो कि पार्टी को यूनिफाइड रह सकता है? तो एक थोड़ा सा डर लोगों का है कि कहीं पेनी मॉडर्न आगे नहीं, क्योंकि एक यूनिफाइंग कैंडिडेट के रूप में उभर कर आ रही है जी। तो वो अगर नहीं पीछे रह जाती है अगर, तब तो फिर ऋषि सुनक के जीतने की संभावना, प्रधानमंत्री बनने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं जी, है। जाहिर सी जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए उनका जो सबसे बड़ी समस्या है, क्या करेंगे वो 40 बिलियन पाउंड का जो उनका जिसे होल कर रहे हैं, वो उसके लिए पूरा संघर्ष चल रहा है, और वो मानते हैं लोग कि ये ऋषि सुनक ही इस होल को भर सकता है। ये एक तरह से कंसेंसस ओपिनियन वहां के सारे आप मीडिया में भी पाएंगे, वहां के थिंक टैंक्स में, इंटेलिजेंसिया में सब लोग मानते हैं। इसलिए एक पढ़े लिखे तबके में जिसे कहते हैं लंदन ग्रुप, उसमें इनकी काफी अच्छी समर्थन है, लेकिन जो बाकी अंदर के क्षेत्र हैं जहां की व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट बैठते हैं, उनका क्या रोल होगा, क्या उनको रोल देंगे? अगर कंजर्वेटिव एमपी जिनको 200 से ऊपर दे देते हैं तब तो उनके रोल खत्म हो जाएगी जी। बिल्कुल राजीव जी, भारतीय मूल के सांसद हैं, इस नाते पूरे भारत की निगाहें इस बात पे लगी हुई है भारतवासियों की कि ऋषि सुनक जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, या वहाँ की राजनीति में उनकी क्या भूमिका रहती है, प्रधानमंत्री को लेकर जो ब्रिटेन में सियासत चल रही है उसमें ऊंट किस करवट बैठता है, इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन उम्मो जी, आप ये इस मुद्दे पर बात कर रही थी कि जो मुक्त व्यापार समझौता है भारत और ब्रिटेन के बीच, जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत के लिहाज से, और जिस तरह से ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, ऐसे में मुक्त व्यापार समझौते की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? ब्रिटेन के सामने राजनीतिक स्थिरता की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है, जब तक कि एक नए नेता का चयन नहीं हो जाता और ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि कौन प्रधानमंत्री होगा, इस बात पे कोई राय देना कि जो मुक्त व्यापार संधि है इस पे कितने दिन तक हस्ताक्षर हो जाएगा, ये किसी तरीके से जो है आप कोई भी तारीख इस पे रख सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों में जो ये जो एफटीए अग्रीमेंट पे बात हो रही थी, इस पे एक दो बहुत अहम मुद्दे सामने आए। लिज़ ट्रस की सरकार की ही जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खुद कहा था लोगों के जो है माइग्रेशन के इशू पे, उन्होंने एक मुद्दा उठा के ये कहा कि सबसे ज्यादा संख्या में भारत के जो निवासी हैं जो वीजा ओवरस्टे कर जाते हैं, और ये चीज को उन्होंने बहुत खुले तरीके से कहा, और ये कहा कि ये बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे मुक्त व्यापार संधि में। इसको लेके भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया हुई थी वो उन्होंने बताया कि जब एक ऐसे संधि पे विचार विमर्श हो रहा है तो जो आपकी जो समस्याएं हैं वो बायलैटरल लेवल तक सीमित रहनी चाहिए, और ना कि उसको आपने खुले मंच पे सबके सामने उसके बारे में आप ब्यौरा दें या उसके बारे में बताएं। जो समस्या है उसका समाधान करके आप एक संधि को जो है हस्ताक्षर की तरफ लेके जा रहे हैं, ना केवल की। तो एक तरीके से कहा जा सकता है इस किस्म की जो टिप्पणी जो की गई थी वो डायरेक्टली जो है एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के ऊपर आके टिक गया। अब परिस्थिति ऐसी है कि सरकार ही नहीं है और जो है केयर टेकर गवर्नमेंट की अभी परिस्थिति है, तो इस हालात में अगले साल तक ये बात स्थगित हो जाएगी जब तक कि नई सरकार बने, वो अपने खुद की अर्थव्यवस्था को संभाले और पुनः विचार विमर्श जो है उस दौरान स्टार्ट होगा। इस नए सरकार को देखिए, आप चाहे उसी पार्टी की सरकार बने, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हर सरकार जो है अपनी एक पृष्ठभूमि तैयार करती है और अपना एक एजेंडा तैयार करेगी। अटकलें लगाई जा रही हैं, बोरिस जॉनसन भी इस रेस में उतर चुके हैं पुनः, और वो कहा जा रहा है कि अगर वो इस रेस में अभी उतरेंगे और अग्रणीय रूप में सामने आएंगे तो फिर तो ये मान लीजिए कि कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो काफी ऐसे मुद्दे हैं और इसमें ये जो है एक बहुत बड़ी दुविधा हो चुकी है, और भारतीय सरकार की तरफ से भी जो है पीयूष गोयल जी ने भी ये कहा कि अभी एक वेट एंड वॉच पॉलिसी हमें अपनाना पड़ेगा, और जैसे ही राजनीतिक स्थिरता ब्रिटेन में पुनः वापस आएगी तो स्वाभाविक है कि जो ये एफटीए अग्रीमेंट है इस पे वार्ता दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिटेन की सियासत में ऋषि सुनक या बोरिस जॉनसन का क्या होता है ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा, लेकिन जो मुक्त व्यापार समझौता है भारत और ब्रिटेन के बीच गुरजीत जी, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है,
मजबूत स्थिति में है, जबकि हम ब्रिटेन में देख रहे हैं कि आर्थिक संकट के कारण दो दो प्रधानमंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। आप मुक्त व्यापार समझौते को आप कैसे देख रहे हैं? जब से ब्रिटेन ब्रेक्सिट किया है और ईयू से अलग हो गया, उसको बहुत शौक था कि भारत के साथ ये संधि हो, कि जैसे आपने बताया भारत एक उभरती इकोनॉमी है और वो ढलते हैं, उनको एक कॉम्प्लीमेंटारिटी मिलती है। दूसरी बात है लिस्ट्रस का रिकॉर्ड और एफटीए अच्छा है, उन्होंने जापान के साथ किया, उन्होंने नॉर्वे लक्समबर्ग और कई देशों के साथ ये किया जब वो कॉमर्स का विभाग देखती, और फॉरेन सेक्रेटरी रहते हुए भी उन्होंने लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाए और भारत भी आया और कहा कि हम एफटीए दिवाली तक कर पाए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनी तो वो इस बात को संभाल नहीं पाई, और जो उनके दूसरे मंत्री थे जैसे सूजन ब्रेवरमैन, जो उनकी इमिग्रेशन के ऊपर जैसे सलमा जी ने कहा बात की, उससे थोड़ी शंकाएं भारत में आई। अब जो बाकी देशों के साथ यूके ने एफटीए किए हैं उनमें ये इमिग्रेशन वाली जो मोबिलिटी की इशू है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो हमारे साथ है, इसलिए थोड़ी हमें आराम से, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि इसको यूके को जल्दी है, हमें तो पक्का करना है कि हमारे सारे मुद्दे इसमें अच्छी तरह शामिल हो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय मूल के जो मंत्री बनते हैं जैसे पहले प्रीति पटेल थी, अभी सूजन ब्रेवरमैन है, इनका कोई रवैया भारत के लिए कोई खास अच्छा नहीं है। तो ज्यादा ऋषि सुनक पे ऐसे तुक लगाना कि भाई वो बन गए तो भारतीय मूल के हैं तो हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने COP26 में भी देख लिया था कि आलोक शर्मा जो भारतीय मूल के हैं, उनके क्लाइमेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत की बात तो नहीं सुनी थी, वो तो ब्रिटेन की बात और मिस्टर अजीत सेवन की बात ही कर रहे थे। तो ये हमें समझ लेनी चाहिए बात, केवल भारतीय मूल का होना भारत के हित में नहीं है। कई बार ये अच्छा रहता है कि भारतीय मूल का ना हो कॉमर्स मिनिस्टर उनका, वो शायद हमसे जी इसके कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए भारत में चर्चा होना, लोगों के मन में सवाल आना स्वाभाविक है। लेकिन ऋषि सुनक हो या कोई और हो, वो जिस देश में रहते हैं उस देश के हितों के साथ जुड़े होते हैं, जाहिर सी बात है पहले वो उस देश की चिंता करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल ब्रिटेन की जो इस समय राजनीतिक अस्थिरता है उसमें वैश्विक मंच पर इस समय जो चुनौतियां हैं, चाहे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा हो या फिर जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनकी बढ़ती कीमतें हों या उसको लेकर दूसरे पहलू उभर के सामने आ रहे हो, जाहिर सी बात है ब्रिटेन की राजनीतिक अस्थिरता दुनिया पर भी इसका असर डालेगी। कैसे डालेगी, कितना डालेगी, ये समय बताएगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।